नमस्कार, मैं हूँ नेहा कक्कर। इससे पहले कि मैं कोरोना के बारे में कुछ कहूँ, ये एक गाना मैं गाने वाली हूँ आपके लिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल बाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले कोई। नमस्कार, आई होप आपके घर में आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब अच्छे हैं और कुशल मंगल हैं। यू नो, वी ऑल शुड प्रे फॉर एवरीवन आउट देयर। यू नो, हम अपने लोगों के लिए तो प्रे करते ही हैं, बाकी सबके लिए भी करनी चाहिए, ताकि सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, यू नो, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मैं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने सबसे सुना है बहुत सारी चीजें कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं भी, यू नो, देर आर अ फ्यू पीपल जो मुझे फॉलो करते हैं और जो यू नो मुझसे इंस्पायर होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने घर में रहिए। हमारे पीएम ने भी कहा है कि घर पे रहना है। इवन बाहर से कितने न्यूज आए हैं, और यू नो, पहले बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, बट आई फील हाई टाइम अभी है कि हमें कैसे भी करके घर पर ही रहना है। इनफैक्ट इस संडे को आई थिंक 7 AM से 9 PM तक घर पे रहना है, और 5 बजे, 5 o'clock से 5:05 तक हमें 5 मिनट तक अपनी बालकनीज, विंडोज, इन सब पे जाकर यू नो अप्लॉज करना है, अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जिनका हक बनता है कि उनको अप्रिसिएशन मिले। और सिर्फ उनके लिए मैं चाहती हूँ, सिर्फ हम लोग अप्लॉज ही नहीं करें, प्रेयर्स भी करें उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी लाइफ में खुशियां लाई है। और एक और चीज है जो मुझे सुनने को मिली है कि काफी सारे लोग अपने यू नो डॉग्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ये बात अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डॉग्स पे कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू यू नो कीप देम एट होम या अपने साथ, या कहीं भी आप उनको यू नो रख सकते हैं। उनको घर से बाहर नहीं निकालिए, घर में ही रखिए, और वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे। वो तो बहुत प्यारे होते हैं, बल्कि उनके साथ रहकर टाइम स्पेंड कीजिए। नॉट ओनली देम, अगर मैं बात करूँ कि हमारे घर में जो 60+ फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत ख्याल रखिए, और मेक श्योर कीजिए कि आप उनको घर से बाहर ना जाने दें। यू नो, बहुत सारे वेज हैं उनको घर पे रखने के लिए। आप उनके साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलिए, लूडो खेलिए, जो खेलना है खेलिए, फन कीजिए घर में, गाने गाइए, अंताक्षरी खेलिए, बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप उनको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी अटेंशन दें, जिसके लिए यू नो बुजुर्ग लोग क्रेव करते हैं, जो उनको नहीं मिलती है, उनको प्यार दें, अटेंशन दें, रिस्पेक्ट दें, उनके साथ बैठें। और इवन आपके घर के जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर खेलिए, बहुत मजे कीजिए, और सेफ रहे, प्लीज सीरियसली लीजिए इसको जो अभी सिनेरियो है। आगे भी काफी दिनों तक ये ऐसा ही सीरियस रहने वाला है, तो आपको भी सीरियस होना है, और घर में बैठिए, पूरे इंडिया का साथ दीजिए, पीएम हमारे उनका साथ दीजिए, और हमें मैं तो चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाए बाहर। यू नो, सब लोग कहें कि कोरोना को अगर मैनेज किया है किसी कंट्री ने, तो वो इंडिया है। आई थिंक वी शुड डू दैट, और पूरा दृढ़ निश्चय कीजिए कि इंडिया के रेट्स जो हैं कोरोना वायरस के, वो सबसे कम नहीं, मैं कहती हूँ जीरो हो। अब जो जितने भी हो गए हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, प्रेयर्स करेंगे उनके लिए कि वो सब लोग जल्दी ठीक हो जाएं, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं रहे हैं
वो खुश रहें, मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस. और बाकी आगे ये ना हो तो आपको मेक श्योर करना है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खुशियां बांटें. एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, गॉड ब्लेस.